यह जो है जैसे आप पेमेंट कर लोगे तो यह एक दो तीन, यह तीनों ऑप्शन आपके अनहाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि आप इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं बहुत ध्यान से आप फिल करिएगा, गलती ना हो, दोबारा आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ में और आप लोगों का यहीं पर क्वेरी दे देना चाहता हूँ, जो पूरे वीडियो में अच्छे तरीके से बना रहेगा उसी को यह समझ में आएगा कि मैं क्या कि पूरे प्रॉब्लम को, कौन कौन से प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे आपके सॉल्व कर रहा हूँ। आप साइन अप करते टाइम एरर जिन लोगों का शो कर दे रहा है उनका मैं अभी यहीं पर बात कर लेता हूँ। साइन अप करते समय जिनका भी एरर शो कर रहा है तो वो सब मेरे में भी कर रहा है, ऐसा नहीं आप में ही कर रहा है, मैं आपको जैसे दिखा दिया। और आप मेरे टेलीग्राम, ये देखिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर देखिए कितना सारा मैसेज आप लोगों का आया पड़ा है, फॉर्म मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अभी आप मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब भी आ रहा है। तो मैं कितने लोगों कर पाऊंगा, कुछ ही लोगों कर पाऊंगा। और पीसी में नहीं समझ आ रहा है तो कैसे होगा भैया, पीसी में नहीं समझ आ रहा है इसलिए आपके लिए वीडियो बना दिया हूँ, इससे आप समझ जाइए। और नहीं समझ में आ रहा है आप दुकान पर चले जाइए, दुकान से भरवा लीजिए, रिस्क ज़्यादा मत लीजिए। ओटीपी एरर हो रहा है, डालने पर ओटीपी भी एरर बता दे रहा है। तो ओटीपी एरर बताने का दो होगा, या तो आप मल्टीपल टाइम ओटीपी जनरेट कर दिए, ओटीपी चला गया और आपके मोबाइल पर ओटीपी आया नहीं, आप दो बार तीन बार जनरेट कर दिए और तीसरे बार वाला ओटीपी नहीं आया, दूसरे बार वाला आ गया उस समय, तो आप उसको लिख दे रहे हैं। और तीसरा सिचुएशन क्या हो रहा है कि आपका सर्वर बिजी होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब का समाधान क्या है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं कि डेट ख़त्म हो जाएगा, देखिए डेट तो 11 दिन का है तो बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है, सर्वर बिजी ऐसे रहेगा, आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा दो दिन तक रुक जाइए, मेरा बात हुआ, दो दिन तक आप थोड़ा डिले कर दीजिए और इस तरीके से आप अपना ट्राई करते रहिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल @cadethemant, यूज़र आईडी ये चैनल नहीं है, चैनल तो नेशनल कोबरा कैडेट्स है, और टेलीग्राम यूज़र आईडी पर्सनल असिस्टेंट के लिए @cadethemant @cadethemant। मैं कमेंट में हमेशा नहीं लिखूंगा, आप जाकर के खुद कमेंट दूसरे का देख लीजिए क्या मैं वहां पर बोला हूं। और कम्युनिकेशन डिटेल एरर बता रहा, कम्युनिकेशन डिटेल एरर का मैं आपको क्या बताऊं कि आपको मैं इस वीडियो में कवर कर दिया डिटेल जो एरर बता रहा। नेशनैलिटी एंड जेंडर नहीं सेलेक्ट हो रहा है, तो नेशनैलिटी एंड जेंडर नहीं सेलेक्ट हो रहा उसको मैं अभी आपको यहीं पर मैं करके दिखा दे रहा हूं कि नेशनैलिटी और जेंडर क्यों भैया नहीं सेलेक्ट हो रहा है, अभी इसको मारा जाए थोड़ा तो डंडा से, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है। तो चलिए आ जाइए साइन इन वाले पेज पर, अभी इसको इससे पूछा जाए तो क्यों नहीं हो रहा है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हुए वो आपका यही है ना नेशनैलिटी, अभी इससे बात किया जा रहा है क्यों नहीं हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इंडियन सेलेक्ट हो गया, या देखिए मेल सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और नेपाली सेलेक्ट कर ली, फीमेल तो एलिजिबल नहीं है तो आ जाएगा, देखिए ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। तो और आपका एक कारण और है कि यह अगर आपका यह फुलफिल नहीं क्राइटेरिया होगा तो इसके वजह से भी नहीं होगा, और भी काफ़ी सारे रीज़न है। तो यह हो गया आपका, एक और कमेंट को मैं ले लिया नेशनैलिटी का, आपको लाइव डेमो करके दिखा दिया। आप एक काम करिए कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, अगर आपको फॉर्म वॉर्म फिल करना है तो इशू है उसके रिगार्डिंग, तो सीधे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। और कैप्चा कोड रिफ्रेश हो जा रहा है, हाँ भैया यह प्रॉब्लम होता है कि कैप्चा कोड क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, इसमें ऑटोमेटिक है, इसका आज से प्रॉब्लम नहीं, इसका जन्मजाति प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और एप्लीकेशन को क्या करते हैं कि पेमेंट करके आपको दिखाते हैं।